और जी के तो हर ये हलाओ ना हमर उ रहता हम निकल ले ना हमर ही रहता का चलने लग हमर बारे चुकी है तो खेलना नहीं चुकी देखो हम भरे आप ठीक है निकाल निकाल कितना निकले थे हमरो फाड़ दिया हुए थे दिवाली ले फरता हल सुतना आए आधा रख ले कौची कहूँ से बेटी एकरा फेदा फेदा अकुरी 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 अब हमर पार ले हाँ तो इनमें कम ये खोवा है खोवा हाँ देख इन देख सीधा मैं कर देखना हाथ पर न लग जाए कैसा लगा अभिनव कैसा लगा कहाँ ठीक है अच्छा लग रहा है खाए में मीठा लगता है कैसा लग रहा है प्रेरणा मीठा लगता है इसका ये घी है घी और कुछ है ये है ना हाँ ये खोआ एक अंदर निकलता है घी और ये गाड़ी है गाड़ी और फिर जलन बन जाएगा अच्छा फिर जलाओ ना माने कि आग जलाने में काम आएगा खाना बनाने में ना तो ये बच्चों का देसी नारियल है गांव के बच्चों का देखिए ये भी कैसा लग रहा है अभिनव ठीक है बहुत और देखिए थोड़े मोड़े नहीं कितने बच्चों ने खाए देखिए ये सारे जो है ना ये इसी फल के हैं और इसे हम लोग देहाती बोलचाल की भाषा में नारियल कहते हैं बच्चों का ये देसी नारियल हो गया एक तरह से हालांकि ये है ताड़ के फल का प्लम है तड़कोला क्या है ताड़ का बीज इसी छोड़ देंगे ना हाँ। निकल का वाला अच्छा तो जम जाएगा पेड़ अच्छा हाँ पहले ताड़ रहता है खाजा में प्रयोग होता है खाने बच्चे खाते हैं जिसको एप्पल आइस भी कहते हैं फिर उसके बाद जो पक जाता है वो बच्चे काफ़ी मीठी रहती है थोड़ा बहुत उसका मिलता जुलता स्वाद मतलब कि किससे कहा जाए हाँ 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 देहाती आम की तरह बच्चे खाते हैं आम देखिए बच्चों ने मुँह की जुबानी छीन ली यही मैं कहने वाला था और फिर जो उसके जो गुठलियाँ बच जाती हैं बीज बच जाते हैं उसे कितने महीने लोग लगाते हो आप लोग दो महीने एक दो महीने तक हो जाता है इतने इतने होता है अच्छा इस तरह क्या उसमें अंकुरण होता है और अंकुरण होने के पश्चात इसे फिर फार के ये गणासा से या फिर कुछ भी आपके पास काटने वाला औजार हो तो इस तरह से बच्चे गांव देहात में खाते हैं यकीन मानिए इसका मुंह स्वाद से छोड़े नहीं छूटेगा और बचपन में आप लोगों ने शायद कोई बिहार से होंगे या फिर गांव देहात से होंगे तो जानते होंगे ये काफ़ी स्वादिष्ट होती है और बहुत ही मतलब कि आपको बाज़ार में तो किसी भी स्थिति में ये मिलेगी नहीं जब भी मिलेगी तो आपको स्वतः गांव देहात में मिलेगी या फिर आप खुद से कभी इसको बीज अंकुरित किए होंगे तो ही मिलेगी और बीज अंकुरित होने में तकरीबन एक महीने का समय लगभग लग ही जाता है और यकीन माने बच्चे काफ़ी चाव से खा देखिए काफ़ी इसके पूर्व बच्चे काफ़ी लड़ झगड़ रहे थे देखिए घी घी मक्खन गड़ी यही सब करके बच्चे खाते हैं और काफ़ी इन्होंने इस तरह से इकट्ठा किए हुए थे जब ताड़ के फलों का मौसम था तो कुल मिला कि यही है देखिए सारे बच्चों का भी विद्यालय में छुट्टी है चूँकि नवरात्र का आज आठवीं का माता रानी का पर्व है माता रानी का काल भैरव माता रानी का आज स्वरूप है काल रात्रि
हट।